अगर आप भिवंडी में इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं तो उसका एकमात्र ठिकाना है हैप्पी शॉप, जहां आपको इम्पोर्टेड चॉकलेट्स, स्नैक्स, कॉन्फेक्शनरीज, इम्पोर्टेड ड्रिंक्स, साथ ही प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स की रेंज डिस्काउंटेड रेट्स पर मिलेंगे। एक बार जरूर विजिट कीजिए हैप्पी शॉप और अपने शॉपिंग एक्सपीरियंस को बनाइए और भी बेहतर। एट सुप्रीम पेट्रोल पंप चाविंद्रा भिवंडी। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में लगाई फटकार, देना होगा जवाब। इलेक्शन कमीशन के कामों को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष नेता लगातार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रहे हैं, ईवीएम की काउंटिंग पर सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष नेता बार बार ट्वीट करके, बार बार पत्र लिखकर ये आरोप लगा रहे हैं कि इस बार का चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रहा है। क्या है मामला, आइए जानते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि देश भर में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, लेकिन विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि इस बार के जो चुनाव है वो निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रहे और इसीलिए चुनाव आयोग से बार बार डेटा जारी करने में जो देरी हो रही है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है कि 48 घंटों में मतदान का आंकड़ा जारी क्यों नहीं कर सकते। पहले तो ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे थे कि ईवीएम मशीन में फेरबदल करके फ्रॉड किया जा रहा है। अब वीवीपैट मशीन की स्लिप की काउंटिंग की मांग की गई थी, इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। लेकिन अब मतदान डेटा जारी करने में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सवाल किया है। चार चरणों की 379 सीटों पर 45 करोड़ 7 लाख लोगों ने वोट डाला है, जो चुनाव का लगभग 67% है। इन चारों चरणों में वोटिंग वाले दिन के बाद अपडेट टर्नआउट में 1,10,00,000 वोट बढ़ गए हैं। 379 सीटों का अगर आप औसत निकाल लें तो हर सीट पर अपडेट टर्नआउट में करीब 28,000 वोट बढ़े हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछा है कि शाम तक डेटा तैयार होने के बावजूद 48 घंटे के अंदर मतदान डेटा क्यों जारी नहीं किया जा सकता। याचिका के जवाब में ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्वीकार किया है कि मतदान के दिन शाम तक के हमें डेटा मिल जाता है, लेकिन ये जवाब नहीं दिया है कि डेटा जारी करने में 8-10 दिन क्यों लगते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार शाम 6:30 एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर यह तत्काल सुनवाई की थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 24 मई तक का जवाब देने का आदेश दिया है। दोस्तों, आज तारीख 22 मई है, 24 मई तक का इन्हें जवाब देना है। अब सवाल यह है कि डेटा जारी न करने के पीछे क्या साजिश चल रही है, क्या डेटा जारी न करके चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। अगर ये कोशिश हो रही है तो निष्पक्ष चुनाव की गुंजाइश ही नहीं रही। ऐसे में चुनाव आयोग को सीधे सीधे ये कहना चाहिए कि चुनाव नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार 400 पार का नारा लगा रहे हैं, तो उन्हें सीधे 400 पार की सीटें दे दी जानी चाहिए। ऐसे में चुनाव करने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि इतनी शिकायतें हो जाने के बावजूद इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर संज्ञान नहीं ले रहा है। अगर चुनाव आयोग डेटा जारी करने में इतना वक्त लगाता है तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, देश की जनता भी ये समझ रही है कि दाल में कुछ काला है, या फिर ये समझ में आ रहा है कि पूरी दाल ही काली है। दोस्तों, अब 24 मई को पता चलेगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या एक्शन लेता है, क्या सुनवाई होती है। लेकिन कहने वाली बात यह है कि वाकई में लोकतंत्र खतरे में है। हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।